बात अब दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली की हवाओं में पराली का धुआं घुलने लगा है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली की सुबह की तस्वीरें हैं। किस तरीके से तमाम जो इलाके हैं दिल्ली में वो सफ़ेद कोहरे की चादर से ढके हुए नज़र आए। सफ़ेद धुंध की चादर में ये जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से ढके हुए नज़र आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पराली जो हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही है उसका धुआं अब दिल्ली NCR तक पहुंच चुका है। दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ की ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस बार की भी बात करें तो अभी अक्टूबर ही है और अभी से ही धुंध जो है वो देश की राजधानी में देखी जा सकती है। मैं इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हूं और अगर यहां की भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं सामने राष्ट्रपति भवन है जो इस वक्त धुंध में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। वहीं अगर आज के AQI की बात करें तो आज जो AQI है वो 293 दर्ज किया गया है, जो कि पुअर कैटेगरी में आता है। वहीं कई ऐसे हिस्से हैं दिल्ली के, जैसे कि अगर आपको हम अपने व्यूअर्स को तस्वीरें भी दिखाएं उसके जरिए समझाना चाहें तो आप देख सकते हैं आनंद विहार में इस वक्त AQI जो है वो 342 दर्ज किया गया। वहीं भवाना में भी AQI जो है वो 330 दर्ज किया गया। बुरारी में 338 दर्ज किया गया है। द्वारका की बात करें तो द्वारका में 325 जो है वो AQI दर्ज किया गया है। यानी कि कई ऐसे राजधानी के हिस्से हैं जहां पर AQI जो है वो 300 से और 350 से ज्यादा है। यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली की हवा जो है वो दर्ज की जा रही है। दिल्ली घूमने के लिए कई लोग आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कत जो है उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से दिल्ली घूमने के लिए आए हैं? हाँ, दिल्ली घूमने के लिए। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर दिल्ली की हवा में, कैसा महसूस हो रहा है दिल्ली घूमकर अभी? अभी अक्टूबर मंथ में हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि कोहरा वगैरह दिख रहा है यहाँ पर, तो अभी नवंबर दिसंबर में तो सब कोहरा आ जाता है पूरा, ऐसे आँखों में भी आँखें जलती हैं, जो पराली वगैरह सड़ती है ना उसके कारण ये धुआं वगैरह हो जाता है। गवर्नमेंट को थोड़ा सुधार करना चाहिए इसके बारे में। तो आप तो पंजाब से हैं तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि अभी भी उस तरीके के हालात हैं, जगह जगह पराली जलाई जा रही है? हाँ, पराली जगह जगह जलती है। अभी पंजाब से हैं हम तो वहाँ तो पराली अभी भी जलती है। सरकार कर रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो लोग जलाते हैं वो तो जलाते हैं, सरकार एक्शन नहीं लेती, बोल देते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेती उस पर। अच्छा, तो इसी मतलब आपको लग रहा है कि अभी उस तरीके से एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है जिस तरीके की लेना चाहिए, इसी वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है? हाँ, इसी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, कितना कोहरा हो चुका है दिल्ली में। बिल्कुल। अभी नवंबर दिसंबर में जो जलाएंगे पराली तो सभी मतलब आंखें भी जलती है फिर, तो वैसे ही पॉल्यूशन और भी बढ़ता है, जिसके कारण चश्मा वगैरह सभी पहनते हैं, फिर मास्क वगैरह पहनते हैं, इसके कारण जो हमारा अंदर से भी लंग्स जो है हमारे खराब होते हैं। हम दिल्ली आज ही घूमने आए, इसके बाद हम आते नहीं है फिर। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सीरियस बात है जिस तरीके से वो बता भी रहे हैं कि चश्मा लगाए हुए हैं ताकि अपनी आंखों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पराली जो जल रही है आसपास के स्टेट्स में उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो राजधानी में बढ़ रहा है। वहीं सिर्फ पराली जलना ही नहीं बल्कि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है। वहीं अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम मीटिंग्स जो है वो बुलाई जा रही है और आज भी एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय की तरफ से दिल्ली सेक्रेटरीट में मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग में जो दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट जो है पॉल्यूशन के उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसको लेकर कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा जिसपे लेकर चर्चा होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दिल्ली सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है उसकी जानकारी जो है वो भी दी जाएगी। देखना होगा आखिर क्या कुछ स्टेप जो है दिल्ली सरकार पॉल्यूशन से लड़ने के लिए लेती है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है, तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं। हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो,
इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। वहीं बढ़ते हुए प्रदूषण पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम से बातचीत की है इंडिया न्यूज के सहयोगी ने, ये भी आप सुन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद। एक सवाल सर दिल्ली के बारे में, दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देखिए लगातार 10 साल से दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा शासक बैठा हुआ है जिसको प्रेस वार्ता के अलावा कुछ नहीं आता है। छोटे छोटे इवेंट कर देना और अपना आपको बचा के निकला, ओड इवन भी करने वाले होंगे अभी, वो जल्दी जो हर साल नाटक ड्रामा करते हैं ओड इवन करने का। शुरू शुरू में कहते पंजाब के कारण होते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है। कई बार नाटक किया, उन्होंने केमिकल्स बनाया, हमने 4000 का केमिकल बनाया और 40 लाख रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, आज तक भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए उनकी बुनियादी जो आवश्यकता है प्रलोभ को खत्म करने की वो नहीं है, ना उनको ज्ञान है, ना वो देश को दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खाली नाटक और ड्रामा के अलावा कुछ नहीं। अभी प्रेस वार्ता कर देंगे एक दो, उससे उनका काम खत्म होगा। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, संजय शर्मा।